हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेनोस्फेयर। रिसेंटली पीएम मोदी व्लादिवोस्तोक गए। व्लादिवोस्तोक रशिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्लादिवोस्तोक आपको रशिया के फार ईस्ट रीजन में मिलेगा। अगर हम रशिया की आबादी को देखें तो हम पाएंगे कि रशिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन रशिया की वेस्ट साइड में रहती है। बाकी जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है वहाँ आबादी बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि इस एरिया में रहना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, एग्रीकल्चर करना हद से ज़्यादा मुश्किल है। कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि एक आम इंसान का यहाँ रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एरिया में सब कुछ ही खराब है। अगर मैं कहूँ कि ये एरिया किसी खजाने से कम नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर ऑयल, गैस और मिनरल्स के भंडार हैं। अगर इस एरिया में अच्छे से माइनिंग की जाए तो रशिया मालामाल हो सकता है। इसलिए रशिया अब इस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर रशिया को इस रीजन में कमाई करनी है तो इसके लिए उसे यहाँ रिसर्च करनी होगी, माइनिंग करनी होगी और भी कई स्टेप्स लेने होंगे, जिसके बाद ही रशिया यहाँ से कुछ निकाल पाएगा। लेकिन इतना सब करने के लिए शुरू में रशिया को काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी। लेकिन फिलहाल रशिया के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो यहाँ इन्वेस्ट कर सके। ये बात हमें पता ही है कि अभी रशिया की इकोनॉमी खराब दौर से गुजर रही है। इसीलिए रशिया के पास अपने फार ईस्ट रीजन में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी खास नहीं है। अपनी इसी समस्या को दूर करने के लिए रशिया ने दुनिया की दो बड़ी कंट्रीज से यहाँ इन्वेस्टमेंट्स करने को कहा है। वो दो बड़ी कंट्री है इंडिया और चाइना। जब से पुतिन ने चाइना से रशिया के फार ईस्ट में इन्वेस्ट करने को कहा है, चाइना बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। अभी तक चाइना ने करीब $33 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स रशिया के ईस्ट रीजन में कर दी है। चाइना जल्दी से जल्दी इस इन्वेस्टमेंट को $50 बिलियन तक ले जाने का प्लान बना रहा है। चाइना की इन इन्वेस्टमेंट से रशिया खुश तो है, लेकिन साथ ही साथ रशिया के मन में चाइना को लेकर एक डर भी है। आपने देखा ही होगा कि चाहे पाकिस्तान हो या कोई और कंट्री, चाइना जहां भी जाता है धीरे धीरे उस जगह पर कंट्रोल लेने की कोशिश करने लगता है। चाइना जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट करने जाता है वहाँ एक चाइनीज कॉलोनी बना लेता है, वहाँ चाइना के लोग रहने लगते हैं और उस पूरे एरिया को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और इसी बात से रशिया परेशान है कि कहीं चाइना रशिया के साथ भी ऐसा ना कर दे। चाइना के इसी खराब रिकॉर्ड को देखते हुए रशिया पूरी तरह इन्वेस्टमेंट्स के लिए केवल चाइना पर निर्भर नहीं होना चाहता। इसीलिए रशिया चाहता है कि इंडिया भी यहाँ बढ़ चढ़ कर इन्वेस्टमेंट्स करे। रशिया के इस ऑफर के बाद से इंडिया ने फार ईस्ट रीजन में इन्वेस्ट करना शुरू भी कर दिया है। फिलहाल इंडिया की टाटा पावर ने यहाँ एक कोल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा ONGC विदेश और कोल इंडिया भी जल्द ही रशिया के फार ईस्ट रीजन में मेजर इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में इंडिया और रशिया दोनों को ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। इस टॉपिक पर आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।